परम आदरणीय महामहिम महाराष्ट्र एवं कुलाधिपति कृषि विद्यापीठ राहुरी श्री रमेश बाईस जी, श्री धनंजय मुंडेल जी, राधा कृष्ण विखे पाटिल जी, डॉक्टर पीजी पाटिल, श्री प्रसाद अम्बेडकर, यहाँ उपस्थित सभी पूर्व 11 उपकुलपति, सभी उपस्थित महानुभावों, छात्रों छात्राओं, मीडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स, आज मुझे 37वें दीक्षांत समारोह में शामिल होकर बहुत खुशी हुई है। सर्वप्रथम मैं बधाई उन सभी को देता हूँ जिनको आज डिग्री और अवार्ड्स दिए गए, और ख़ास करके डीएससी की डिग्री जो श्री राधा कृष्ण विखे पाटिल जी को, श्री राजेंद्र बरवाले जी को और श्री विलास शिंदे जी को दी गई है, उसका मुझे बहुत ही गर्व है। एमपीकेवी ने न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि राष्ट्र की कृषि की उन्नति में बहुत बड़ा योगदान दिया है। सही माने में ये एक लैंड ग्रांट यूनिवर्सिटी जो इस्टेब्लिश की गई थी उसकी परंपरा को अभी भी निभा रही है, और यहाँ की जो उन्नति का विवरण डॉक्टर पाटिल ने किया वो बहुत ही सराहनीय है। मैं सभी यहाँ के जो फैकल्टी मेंबर्स हैं और छात्र छात्राएं हैं और वाइस चांसलर साहब को अपनी तरफ से बधाई देता हूँ। इस विश्वविद्यालय ने अब तक 130,000 जो है वो ग्रेजुएट्स तैयार किए हैं, जो राष्ट्र और महाराष्ट्र दोनों के लिए अपना योगदान अब तक दे रहे हैं। और यहाँ की यूनिवर्सिटी ने नेशनल लेवल पर जो क्लेम किया है पोस्ट, ये जो सीनियर रिसर्च फेलोशिप, वो 100 छात्राओं ने सीनियर फेलोशिप जो है प्राप्त किया है, जो बहुत ही सराहनीय है। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के प्रोजेक्ट में यहाँ जो इनको प्रथम स्थान मिला है जिसकी बात पहले की गई थी, और यहाँ के कई जो जातियाँ प्रजातियाँ अलग अलग किस्मों की अलग अलग फसलों की निकाली गई हैं उसका विवरण हो चुका है, और वो आज बहुत कुछ देश की प्रगति और महाराष्ट्र की प्रगति में योगदान दे रहे हैं। पिछले साल हमने यूएन ईयर ऑफ मिलेट्स मनाया था, और महाराष्ट्र भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेट है मिलेट्स के लिए, और ख़ास करके रबी सोरगम जो इस एरिया में ज़्यादा होती है, और बाजरा, और इसके साथ में मक्के का भी यहाँ पे अनुसंधान किया जा रहा है, और बहुत बहुत अच्छी किस्में निकाली गई हैं। आज भारत विश्व में जो है आबादी के हिसाब से नंबर 1 हो गया है, हमने चीन को पीछे छोड़ दिया है, हमें जो है फूड सिक्योरिटी में बहुत तरक्की की है। आज हम आयात जो किया करते थे उसकी जगह निर्यात कर रहे हैं। 55 बिलियन यूएस डॉलर्स का जो है एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर सेक्टर से हो रहा है, और मुझे विश्वास है कि जो प्रधानमंत्री जी ने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो लक्ष्य रखा है देश के सामने अगले 5-6 सालों में 2030 तक, वो कृषि की द्वारा करीब 1 ट्रिलियन की जो है कंट्रीब्यूशन भारत सरकार की होगी, और वो कृषि जगत और कृषि के कार्य से ही संभव होगा। हमारे देश के नेताओं ने पहले कहा जय जवान जय किसान, बॉर्डर ही नहीं हमें अपनी भुखमरी का भी ध्यान देना था, इसलिए लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था जय किसान, और फिर हमारे प्रधानमंत्री जो है वाजपेयी जी ने कहा था कि जय विज्ञान, और अब मोदी जी ने कहा है कि जय अनुसंधान। तो अनुसंधान की अब बहुत आवश्यकता है, अनुसंधान से हम आज
न सिर्फ परमाणु शक्ति हैं, न सिर्फ हम आत्मनिर्भर हैं खेती में, पर हम चांद तक भी पहुंच गए हैं। पर जो हासिल हमने किया था आज से करीब 60 साल पहले जब हमने हरित क्रांति लाई थी, तो वो भी एक मैं समझता हूँ बहुत बड़ा साइंस लेड इनोवेशन था, और उसके द्वारा हमें जो कुछ प्राप्त हुआ है, आत्म गौरव प्राप्त हुआ है और आत्मनिर्भरता प्राप्त हुई है, और जो आज हमारे गले में जो है 40 से 60 70 मिलियन तक का अनाज पीछे रहा है, कोविड के समय में भी हम जो है अपने आत्मनिर्भर रहे हैं, किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है, जबकि दुनिया में 200 मिलियन लोग जो है वो गरीबी रेखा के नीचे आ गए कोविड के बारे में, और वहाँ पर फूड प्रोडक्शन और फूड सिक्योरिटी की बहुत बड़ी समस्या है। ऐसा ही मैं गर्व महसूस करता हूँ कि ग्रीन रिवॉल्यूशन कैसे संभव हुआ, हम श्वेत क्रांति भी लाए हैं, नीली क्रांति भी लाए हैं, धनुष क्रांति जिसको हम कह रहे हैं कि रेनबो रिवॉल्यूशन जो हॉर्टिकल्चर से आया है, ये सब कुछ तभी संभव हुआ जब हमारे पास में ऐसे अच्छे विश्वविद्यालय हैं और ऐसे अच्छे ट्रेंड युवा और युवतियाँ हैं जो यहाँ से जाकर के देश की कृषि की जो है उन्नति में अपना योगदान दे रहे हैं। हम चांद तक पहुँचे अब, पर हम ज़मीन पर पहुँचे थे जब हमने हरित क्रांति हासिल की थी, और वो गर्व की बात है। और मैं समझता हूँ कि जो क्रांति अब हॉर्टिकल्चर में हो रही है, जो जिसमें महाराष्ट्र आगे उभर करके आ रहा है, चाहे आज एक उपाधि दी गई है जो है ग्रेप्स में, हमने ग्रेप इंस्टीट्यूट भी तब पुणे में बनाया था शरद पवार जी के समय में, जब मैं कृषि ICR के अंदर डायरेक्टर जनरल रहा, और बड़ा योगदान जो है या महाराष्ट्र से हो रहा है। हम संतरे में तो माने ही जाते थे, अब हमें जो है केले में भी हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं, और वर्ल्ड में भी केले में इंडिया अब लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो गया है, और स्टेट महाराष्ट्र तो आगे रहा ही रहा है। अब हमें जो कहते हैं सेकंड जनरेशन की जो चैलेंजेज हैं और चुनौतियां हैं, उनको हमें झेलना होगा। कॉस्ट बढ़ रही है, प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन हो रहा है, और हमारे जो रिसोर्सेज हैं, चाहे पानी है, चाहे वो जो है हमारी भूमि की शक्ति है, वो कम हो रही हैं, तो इनके ऊपर हमें ध्यान देना होगा। कृषि को हमें जो है अब सतत बनाने की आवश्यकता है, अब सिक्योर एंड सस्टेनेबिलिटी किसान के लिए लाने की आवश्यकता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के जो चैलेंजेज हैं उनको हमें झेलना होगा, और उसमें खास करके जो हमारी चैलेंज है वो न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के है। फूड सिक्योरिटी तो हम ले आए हैं, पर न्यूट्रिशन सिक्योरिटी का जो चैलेंज है वो हमें डाइवर्सिफिकेशन से आगे जो है संभव करना होगा, और उसके साथ साथ हमें फार्मिंग सिस्टम्स में भी जो है चेंजेस लाने होंगे। ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर के अलावा जो हम समझते हैं कि अब सेकेंडरी और स्पेशलिटी एग्रीकल्चर है, उसकी तरफ जाना होगा, और हमें किसान की लागत को कम करना होगा। उसके लिए बहुत नई संभावनाएं सामने आ रही हैं, समय का अभाव है। मेरे जो है जो कन्वोकेशन एड्रेस जो पब्लिश किया गया है उसमें सारी बातें लिखी गई हैं, आप उसको कभी समय मिले तो पढ़िएगा। और अब हमें आवश्यकता है हमारे युवाओं को और सक्षम करने की, समय आ गया है, जबकि अब हमें कृषि में एक्सटेंशन को प्राइवेटाइज करने की, युवाओं को सक्षम करके अच्छा ज्ञान किसानों तक पहुंचाने की, और इसके अलावा किसान को अच्छे जो औजार हैं, चाहे अच्छा बीज है, चाहे अच्छे पौध है, तो जो भी इनपुट्स हैं वो अच्छे प्रोवाइड करने की, चाहे वो बायो फर्टिलाइज़र है, अब बात की जा रही है नेचुरल फार्मिंग की, ऑर्गेनिक फार्मिंग की, तो उसके लिए हमें बायो फर्टिलाइज़र्स चाहिएंगे, हमें उसके लिए बायो पेस्टिसाइड चाहिएंगे, और उनको आगे बढ़ाने की, उनको प्रोड्यूस करने के लिए अब युवाओं को आगे लाने की ज़रूरत है, उनको एंटरप्रेन्योर बनाने की। और गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम हैं कि
डबलिंग फार्मर्स इनकम वो तभी संभव होगा जबकि उनकी लागत कम होगी, उनको हम मार्केट से जोड़ सकेंगे और अब प्रोडक्शन के अलावा पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर उतना ही ध्यान देने की आवश्यकता है। अब समय आ गया है कि हम जो भी प्रोड्यूस करें वो लॉसेज उसके ना हों और उसकी वैल्यू एडिशन हो जाए और उसको मार्केट से जोड़ दें और मार्केट सिर्फ भारत ही में नहीं बट विश्व के मार्केट से जोड़ दें और उसकी संभावनाएं बहुत उभर के सामने आ रही हैं। उसके लिए हमें सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने होंगे, कोऑपरेटिव का नया जो है अब ढांचा तैयार हुआ है, एक मिनिस्ट्री अलग बनी है और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस का जो एक्ट है उसके तहत जो नई संभावनाएं आगे आ रही हैं उसके तहत युवाओं को हमें आगे लाना होगा। हमें वन शॉप आंसर किसानों के लिए करना होगा, वन स्टॉप के लिए, और वो है जैसे कि एग्री क्लिनिक, जिस तरह से पॉली क्लिनिक है, आप अपने स्वास्थ्य के लिए जाते हैं और हर तरह की जो भी दिक्कत है उसकी निरीक्षण हो जाता है, उसके लिए आपको जो है संभावनाएं आपके सामने रख दी जाती हैं और आप उसको आगे बढ़ सकते हैं, अपनी हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं। उसी तरह से किसान को ज़रूरत है कि अब उसे कस्टमायर सर्विसेज पे जो है योगदान मिल जाए, उसको नॉलेज मिल जाए, चाहे वो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन है उसके लिए इंस्टीट्यूशनल बैक स्टॉपिंग की आवश्यकता है, चाहे युवाओं को भी आगे लाना है तो हमें उन्हें मोटिवेट करना होगा और मोटिवेशन के लिए इंस्टीट्यूशनल बैक स्टॉपिंग, मेंटरिंग एंड हैंड होल्डिंग की आवश्यकता है और साथ में ही उनको क्रेडिट दिलाने की भी आवश्यकता होगी। तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, मैं समझता हूँ कि समय आ गया है कि हम अब परे से सोचें, खेती एज यूजुअल नहीं, अब तक भारत कृषि प्रधान देश रहा है पर अब हमें इसे कृषक प्रधान बनाना है। फार्मर फर्स्ट की बात सामने आ रही है और वो तभी संभव होगा जब किसान को हम जो है पूरा अपनी तरफ से योगदान दे पाएंगे, उस तक नॉलेज को बढ़ा पाएंगे और चाहे वो अब ड्रोन की तरफ से स्प्रे की ज़रूरत है या चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा कहाँ क्या डालना है, कौन सी तकलीफ़ है, चाहे कौन सी बीमारी है, इन सब की संभावनाएँ अब हमारे सामने है। माइक्रो इरिगेशन पे हमें आगे जाना होगा, अभी भी हमारा जो है रकबा करीब 50% रेनफेड है और महाराष्ट्र में काफ़ी एरिया रेनफेड और उसके अंदर प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जाए और नई फसलों की तरफ, नई किस्मों की तरफ हमें जाना होगा। जैसे सोयाबीन अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट क्रॉप होके आगे आ गई है, केले की बात मैंने की थी, ग्रेप्स की बात मैंने की है और कॉटन हम लगा ही रहे हैं, बीटी कॉटन से हमें कितना फ़ायदा हुआ है और हमें जो है टेक्नोलॉजीज़ में डिपेंडेंस अपना केमिकल पेस्टिसाइड्स पे कम करनी होगी, इसके लिए जीएम टेक्नोलॉजी का काफ़ी बड़ा योगदान आगे रहेगा। आज जो है राजू बारवाले जी को बीटी कॉटन जो यहाँ इंडिया में लाने में उन्होंने पहल की थी जिसमें हमें भी उस टाइम योगदान दिया था भारत सरकार की तरफ से रिलीज के लिए, तो तब आज संभव हो पाया। आज वर्ल्ड में हम कॉटन में नंबर वन बन गए, हम एक्सपोर्ट करने लगे, हम इंपोर्ट करते थे, तो संभावनाएं कई तरह की हैं, बहुत कुछ हैं। साइंस का योगदान हमें चाहिएगा और हमें आगे सोच के चलना है, हमें थिंक ग्लोबली बट एक्ट लोकली करना है और लोकली क्या हमारा रिक्वायरमेंट है उसको ध्यान में रखते हुए युवाओं को आगे एंटरप्रेन्योरशिप में आना है ताकि वो प्रोडक्ट्स जो चाहिए वहाँ पे गांव में वो और जो इलाके में वो वहीं पे प्रोड्यूस हों और वो वहाँ पे किसानों को जो है वो पहुँचाए जाएं। तो मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए यही कहूँगा कि आज मुझे बहुत खुशी हुई है, करीब 20 साल बाद मैं वापस यहाँ के महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ के प्रांगण में आया हूँ। यहाँ सारे पुराने जो कुलपति हैं, उपकुलपति डॉक्टर नेरकर, पुरी, देशमुख, मोरे, विश्वनाथ, धरन, मगर, भाले, वाष्णेय, सावंत, लवंडे और जो तीनों यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर यहाँ मौजूद हैं, जो पाटिल साहब के अलावा डॉक्टर इंद्रामणि, डॉक्टर
गडक एंड डॉक्टर भावे, तो आज ये दिखाता है कि हम सब जब तक मिलकर के काम करेंगे, हमें मिलजुल करके काम करने की आवश्यकता है, कोऑर्डिनेशन कन्वर्जेंस की आवश्यकता है और समस्याओं को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और जिन्होंने अपना पहले योगदान दिया है उनको नमन करने की आवश्यकता है। धन्यवाद।